नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनको लाभ क्या मिलेगा, विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, घर में संतान सुख की क्या स्थिति है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकारी नौकरी लगेगी या राजनीतिक लाभ मिलेगा, भूमि भवन से लाभ मिलेगा या आयात निर्यात से लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और आज आपको क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करना है और आपके लिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा और कौन सा अंक शुभ रहेगा और किस क्षेत्र में आज आपका भाग्योदय होगा, ये सारी बातें आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि के। जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जो भी प्रयास करेंगे, जिस क्षेत्र में प्रयास करेंगे उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलते हुए दिख रहा है। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। माली हालत उत्तरोत्तर आपकी अच्छी होगी। जो आपकी परेशानियां हैं कम होगी। माता पिता का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। जो भी आज आप प्रयास करेंगे, जैसे नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या कोई भी नए तरह की आपके अंदर योजनाएं हैं, योजनाएं फलीभूत होने की संभावना बन रही है। तो देखा जाए तो यह कालखंड आपके लिए काफी अच्छा है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, जो सोच है, उसको कार्य रूप में परिणत करने की जरूरत है। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। प्रयासरत, जो भी प्रयासरत कार्य है, सरकारी नौकरी है, व्यापार है या नए तरह के कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो योजनाएं सफल होते हुए दिख रही हैं। माली हालत सुदृढ़ होगी। माता पिता का सुख मिलेगा। नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा। किसी भी नए या अज्ञात व्यक्ति से कोई भी डील ना करे, नहीं तो उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, जिससे आज आपको बचना है। पारिवारिक जो भी आपके दायित्व है, पारिवारिक फ्रंट पर आप सफल रहेंगे। थोड़ा सा पारिवारिक लोगों से मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। गुस्सा पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। माता का सुख मिलेगा, माता का पूरा सपोर्ट रहेगा। भूमि भवन यदि आपने खरीदने की योजना बना रखी है तो उसमें सफलता मिलेगा। अपने अतींद्रिय ज्ञान की बात माने, अपने अंतरात्मा की आवाज को लेकर के अगर चलते हैं तो आपको उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। रोग और शत्रु पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, केयरफुल रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, माली हालत अच्छी रहेगी। अचानक यात्रा से मन आपका उद्विग्न हो सकता है। मित्रों के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। नए तरह का कोई भी योजना बनाएंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि उतावलेपन में कोई कार्य नहीं करना है। उपाय क्या करना है? आज आप भगवान सूर्य देव की आराधना करें और लाल वस्तु का दान करें। और आज आपके लिए शुभ अंक 1 है, अशुभ रंग लाल है। हरे कृष्णा।